दोस्तों, दिव्या भारती का डेथ आज भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है। सहारनपुर से आई हुई एक लड़की, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, जो 10 सपना लेकर चली थी कि बॉम्बे जाएगी और बॉम्बे जाके वो अपना सारा सपना पूरा करेगी, और वो अपना इस जर्नी में अपनी सारा सपना पूरा कर भी रही थी। मात्र दो साल उन्होंने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, जिसमें करीबन उन्होंने 22 फिल्म की थी, जिसमें कि 14 से 15 मूवीज जो थी वो आपकी बॉलीवुड की मूवीज थी, हिंदी मूवीज थी, और ये सारी की सारी मूवीज एक से बढ़कर एक थी। चाहे मैं आपको सोलार सपनम के बारे बताऊं या आंदोलन बताऊं, सारी मूवीज उनकी सुपरहिट जा रही थी। फिर क्या हुआ कि अचानक से 1990 में वो मूवी इंडस्ट्री में आई। उन्होंने जो फर्स्ट मूवी जो की थी वो तेलुगु मूवी थी, और 1993 में उनका देहांत हो गया। अब वो डेथ था या सुसाइड था, क्या था, ये कोई नहीं जानता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कहानी से के पीछे बहुत सारी राज जुड़ी हुई है। राज बताऊं तो ये राज भी है कि क्या है, मिस्ट्री तो मिस्ट्री का कुछ पता नहीं है कि मिस्ट्री क्या है, कैसा है। सोला और सबनम का शूटिंग जब वो गोविंदा के साथ कर रही थी, तो गोविंदा ने ही इंट्रोड्यूस कराया था साजिद नाडियावाला से। साजिद नाडियावाला उस समय एक ऑलरेडी मैरिड थे और प्रोड्यूसर थे, मूवीज को प्रोड्यूस करते थे वो। जैसे ही दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला एक दूसरे से मुलाकात किए, तो दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, और बस कुछ ही महीनों के बाद वो लोग दोनों शादी भी कर लिए। शादी के बाद दिव्या भारती वर्सोवा में एक तुलसी अपार्टमेंट में, वो 5th फ्लोर में रहती थी। गनीमत की बात यह है, या आश्चर्य होने की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहती थी उसमें सारी की सारी बिल्डिंग्स में जितने भी थी सब में बैल्कनीज थी। आपकी बैल्कनीज थी, साथ में आपका मतलब लेआउट ऐसा था कि जहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट आपका जैसे कि किस काम किया गया था बैल्कनीज का, यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि कुछ ऐसा हैपनिंग हो सके। पर दिव्या भारती जिस फ्लोर में रहती थी, उस सारे बिल्डिंग्स में, सारे सारे फ्लैट में, सिर्फ दिव्या भारती जिस फ्लैट में रहती थी उसी फ्लैट का जो फ्लैट में कोई बैल्कनी था नहीं। हुआ ये कि लोग कहते हैं कि दिव्या भारती काफी उस समय ड्रिंक करना शुरू कर दी थी। लोग बोलते थे कि वो काफी तनाव में थी, काफी टेंशन में थी। कि मुझे तो ये आश्चर्यचकित हो रहा है कि वो किस बात का टेंशन में था, जब कोई लड़की मात्र 2 साल में 22 मूवीज करके, जिसमें कि 14 मूवीज आपका हिंदी मूवीज कर रही है, और उसे पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी उस समय की, सारे की सारी मूवीज उनकी सक्सेस हो रही है, फिर किस बात का उन्हें इतना टेंशन था, ये आज तक कोई नहीं जानता है। बहरहाल 5th ऑफ अप्रैल को जब ये दुर्घटना हुआ, दिव्या भारती का जब डेथ हुआ 5th अप्रैल 1993 को, तो उसी रात को वो अपनी फ्रेंड और उनके हस्बैंड, और साथ में अपने फ्रेंड और उनके हस्बैंड, साथ में अपने भाई और साजिद नाडियावाला के साथ अपने ही फ्लैट में वो रात को पार्टी कर रही थी। 8-9 बजे से पार्टी शुरू हुआ था, और इसके बाद रात को 11 बजे अचानक से साजिद नाडियावाला को किसी मीटिंग से जाना पड़ा बाहर। जब वो बाहर जा रहे थे तो उनके जो भाई हैं, वो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, पार्टी मेरा हो गया, खाना मैं घर जाके खाऊंगा। अब वो भी साथ में चले गए। जब वो चले जाने के बाद क्या हुआ कि ऐसा उनके फ्रेंड्स बताते हैं, या जो न्यूज़ वाले हैं वो बताते हैं कि फिर कि जाने के बाद वो किचन चले गई, साथ में उनकी मेड भी थी, उनकी मेड भी थी, तो वो ड्रिंक्स को लेकर अपने मेड से बात करने लगी, और इतनी वो पी रखी थी कि उनका जो बैलेंस बिगड़ गया, और वो अचानक से वो जो बैल्कनी से, बैल्कनी था नहीं लेकिन जो उनका वो था, वो जो बनावट था बैल्कनी का, वहाँ से वो गिर गए। सवाल ये पैदा होता है कि आजकल आप कोई बैल्कनी देखोगे, कोई बैल्कनी आपका इतना नीचे तो किसी का होता नहीं है, एक नीचे ग्राउंड में नहीं होता है, सभी का बैल्कनी कम से कम कमर तक तो आता ही है मिनिमम में लेके चलूँ तो अगर वो कमर तक भी अगर बैल्कनी आता है, अगर वो थोड़ा सा लड़खड़ा भी गई थी पीने के बाद, तो एटलीस्ट वो था कि वो कम से कम पीने के बाद भी वो थोड़ा सा सहारा लेने की कोशिश करती थी, वॉल्स का लेती या कुछ किसी और सामान का लेती, पर ये पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये तो ऊपर वाले जानते हैं, या तो ये वहाँ पर थे। कोई लोग ये भी बोलते हैं कि दिव्या भारती जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी,
और आप लोगों को पता होगा कि 1993 में ही बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था। ये भी कहना है कि वो 1993 से पहले 1992 में जब मूवीज कर रही थी तो वो काफ़ी बार वो दो तीन बार वो दुबई भी गई थी, और उन्हें दिव्या भारती को उसे पता था कि बॉम्बे ब्लास्ट में कौन कौन जो है वो इसके पीछे पर कौन कौन उसके पीछे थे या किसका हाथ था इसके पीछे, तो वो चाह रही थी कि पुलिस से बताएं। तो ये भी एक रीज़न था कि इसे कि वो बताना चाह रही थी, और हो सकता है चांसेस ये था कि ये जो मुंबई अंडरवर्ल्ड है या उस समय जो वो उस समय का समय था जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा दबदबा हुआ करता था, तो ये अंडरवर्ल्ड का ही हाथ है कि उन्होंने मर्डर करा दिया गया, या कोई ये कहते हैं कि दिव्या भारती ने सुसाइड किया है। सुसाइड इसलिए किया है क्योंकि बहुत टेंशन में थी। मुझे नहीं पता किस बात का टेंशन था, जब कोई इंसान इतना सक्सेसफुल है, उसी से इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, जो इतना हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर किसी को किस बात का टेंशन होगा। एनीवेज ये जब जब वो गिरी इसके बैल्कनी से, जब गिरी वो बैल्कनी से गिरने के बाद ये आपका हुआ है घटना आपका 2:30 बजे रात को वो गई है। जब वो वहाँ से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो जब हॉस्पिटल में पहुँची तो डॉक्टर का वो हाथ पकड़ के जोर से दबाई और तभी वो चल बसी थी। इसके बाद ही ये सब मेंशन है न्यूज़ में, रिकॉर्ड्स में, हर जगह। जबकि आपको मैंने बताया कि 11 बजे जो है वो आपके उनकी जो हस्बैंड है साजिद नाडियावाला वो चल बसे थे, वो मीटिंग के लिए चल गए थे। वापस जब आए तो उन्होंने हॉस्पिटल जब आए तो उन्हें शायद पता भी नहीं था कि दिव्या भारती का ऐसा हुआ है। वो आने के साथ ही वो पैनिक हो गए और इतना वो जब उन्हें पता जब और वो बोलने लगे कि दिव्या मर नहीं सकती, दिव्या मेरे सामने खड़ी है, वो जोर से चिल्लाने लगे, वो वायलेंट हो गए थे वो काफ़ी ज़्यादा। और इसी के बाद वो फेंट हो गए। अब फेंट होने से पहले उनके जो मुँह से झाग निकल रहा है, ये झाग जनरली ऐसा निकलता है जब कोई जहर खा लेता है तो किसी के मुँह से झाग निकलता है। इसके बाद जब उन्हें होश आया 5 बजे के करीब, तो इसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं, दिव्या भारती मरी नहीं है, वो मेरे सामने है, यहाँ पर देखो यहाँ खड़े हैं। वो अपना अलग अलग बात से बयां करने लगे, एक्सप्रेस करने लगे क्या है क्या नहीं है, सच का क्या है, सच्चाई क्या है, वो तो वही जानते हैं, इसका तो अभी तो कुछ है नहीं। काफ़ी सारे रीज़न भी है, कोई बोलते हैं कि दिव्या भारती इतनी ज़्यादा हताश हो गई थी कि उन्होंने खुद अपने फाइव स्टोरी बिल्डिंग से वहाँ से वो छलांग मार दी। इसका भी मैंने बताया कि रीज़न यही है कि कोई कैसे इतना कर सकता है, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी कैसे हो सकता है, ये भी इस बात के लिए मुझे आश्चर्य है कि जब जो इंसान बस मात्र 2 साल में जो 22 मूवीज कर रहा है, जिसमें कि उनको टाइम नहीं था, बैक टू टाइम वो शूटिंग करती थी, उनको टाइम कब मिला इसकी अंडरवर्ल्ड से भी कोलैबोरेशन करने का, ये भी कोई नहीं जानता। साजिद नाडियावाला से के जो अचानक से जिन्हें पता भी नहीं था, या वो इतने लोग घर पे थे, उन्हें उसी समय रात को 11 बजे उन्हें कहाँ जाना पड़ा, और जब ये डेथ हुआ 2:30 बजे तो उन्हें 5 बजे वो हॉस्पिटल आते हैं, मतलब क्योंकि 11 से 5 के बीच में उनको ये भी पता नहीं था कि उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 10 बातें आती है, 10 सवाल आती है, 10 संदेह आती है, पर आज तक इसका कुछ कंक्लूजन निकला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हॉस्पिटल में इनके दिव्या भारती के फादर भी और उनके ब्रदर भी थे, स्टार्टिंग में जब उन्होंने देखा ऐसे कि उनकी बेटी जो है वो का डेथ हो गया है, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा कि नहीं, मेरी बेटी को ये लोग बहुत परेशान करते थे, ये लोग मिलकर मेरी बेटी को मार दिया। हालांकि वो जब चाहते तो ये भी था कि वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी बोल सकते थे, नहीं बोला उन्होंने। और आपको आश्चर्य होगा कि बस दोस्त दो जो इंसान पूरे हॉस्पिटल में रो रो के एक ही बात बोल रहे थे, बाप बेटा यही बोल रहा था कि मेरी बेटी या मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, वो 2 दिन के बाद वो खुद बोलते हैं कि शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अचानक से 2 दिन में क्या हो गया, क्या उन्हें किसी से धमकी मिली थी या कुछ ऐसा चेतावनी मिली थी कि जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसका कुछ जवाब आज तक किसी को मिल नहीं रहा है, और मुझे लगता भी नहीं अब मिलेगा क्योंकि काफी टाइम हो भी गया। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, क्या 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 रीजन हो सकता है? 10 बातें हैं, अंडरवर्ल्ड के बाद भी आती है, साजिद नाडियावाला भी आती है, उनकी फ्रेंड्स थी, मेट थी, करियर पे तनाव था, क्या था? इस बात का जवाब ना मेरे पास है, ना मीडिया के पास है, ना आपके पास है। हम बस अनुमान लगा सकते हैं, पर जो भी फैक्ट्स पे और फिगर्स पे हम लोग अगर सोचते हैं, अगर जाते हैं, तो उसे तो यही लगता है जो आप समझ रहे हो और जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पब्लिकली तो बोलना भी अच्छा लगता नहीं है। पर ये क्या है,
और ये बॉलीवुड जितना हमें अच्छा लगता है, दूर से अच्छा लगता है, जितना जिस जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि यार क्या लाइफ है इनका, लग्जरी लाइफ है, कंफर्ट लाइफ है, सब कुछ है, पर इनके पीछे जो 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 डार्क सीक्रेट्स हैं वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अभी आप देखा जाए तो हाल में ही हमारे जो एक्टर्स हैं, सर सबसे पहले श्रीदेवी का डेथ हुआ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, कोई जानता नहीं है क्या हुआ। इसके बाद फिर हमारे बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ का डेथ हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ हुआ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस यही था। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग की क्या रीज़न है, क्या रीज़न हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।